80 मीटर जाने किसी चालक से होकर 2 सेकंड में 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इस समय में कितने इलेक्ट्रॉन उस चालक के एक सिरा से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होते हैं। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले क्षेत्रफल है सर, उसकी भुजा अगर हमको लिखना किसी चालक से होकर 2 सेकंड में, यानी समय जो दिया है टाइम 2 सेकंड, 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा, विद्युत धारा I बराबर कितना है 0.5 एम्पीयर। समय में कितने इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N बराबर, और यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब आवेश दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर Q बटा, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटा टाइम, ठीक। तो एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी चालक के अनुप्रस्थ सिरे से प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालने के लिए, तो वहाँ पे Q बराबर N इंटू E, ठीक है। आवेश बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो I और T में गुना कर देंगे तो आई टी, यहाँ पे समझेंगे I बराबर, अब Q के पास में क्या रखेंगे, Q इक्वल टू एन ई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एन ई बटा में समय, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो I T इक्वल टू नंबर ऑफ, ठीक है। अब हमें N नहीं पता है तो N को रख देंगे, N बराबर I अब बटा T है, I इंटू टी बटा में, ठीक है। तो N बराबर, अब N का मान मुझे मालूम नहीं है, I का मान मालूम है, कितना दिया है 0.5 एम्पियर, 0.5 गुने T कितना दिया है 2 सेकंड बटा में एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो 1.6×10⁻¹⁹, ठीक है। अब यहाँ पे N इक्वल टू 0.5×2 बटा 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा 10, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 और 10 को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। इसको काट देंगे 2×8=16, अब बच गया ऊपर N इक्वल टू 5/8 गुने, अब ये माइनस में है तो ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻¹⁹, ठीक है। N बराबर, अब ये 5 × 10⁻¹⁹ कॉलम में से एक 10 को बाहर कर लेंगे तो ये बच जाएगा कितना 10⁻¹⁸ कॉलम बच जाएगा, अब बटा में N बराबर ये हो जाएगा 50/8 × 10⁻¹⁸ कॉलम, इसको कटा देंगे तो कितना से कट जाएगा N बराबर 8×6=48, 8×2=16, 8×5=40 आगुने 10⁻¹⁸ कॉलम, ये रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6.25×10⁻¹⁹ कूलम्ब आवेश, इस क्वेश्चन का आंसर।
सेकंड नंबर क्वेश्चन समझेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मुझे लगता है कि दो चार बार ये क्वेश्चन एएलपी में पूछा हुआ, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि विद्युत चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट होता है और इससे कितना एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन किसी चालक के एक सिरा से दूसरे सिरा तक 5 सेकंड में प्रवाहित होती है। 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन है और उसको प्रवाहित होने में एक सिरे से दूसरे सिरे में समय जो लगता है वो 5 सेकंड का लगता है। चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। इसमें विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है कि कितना विद्युत धारा खर्च हुआ। यहां पे दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6.25 × 10⁻¹⁸ कूलम, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। समय यानी टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम 5 सेकेंड, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, तो आई करंट, विद्युत धारा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आई बराबर होता है क्यू बटा डी, यानी विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, ठीक है। और एक जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया सेम उसी के आधार पर क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वह आवेश जो होता है उसके बराबर होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्यू, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू एनी, ठीक। तो आई बराबर क्यू की जगह पे अब हम किसका मान रखेंगे, एन ई का मान रखेंगे, एन ई अब बटा में टी, ठीक है। तो आई का मान मुझे मालूम नहीं है, एन का मान मालूम है। एन का मान कितना दिया है 6.25 × 10⁻¹⁸ × इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम बटा समय, कितना समय लगा है 5 सेकंड, मुझे दिख रहा है। I इक्वल टू यहां पे दशमलव में है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको दशमलव को हटा देंगे, नीचे में कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे 5 से 5 एकम 5 5 दूना 10 और 25 25, ठीक है। इसको कर देंगे 25 से 25 चौका 100 और 25 पचे 125, ठीक है। फिर इस दशमलव को उड़ा देंगे, फिर बटा में आ जाएगा 10, ठीक है। एक कितना से कट जाएगा 4 चौका 16 कट जाएगा, और इसको काट देंगे 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, फिर इस 5 से इस 5 को काट कर देंगे, ठीक है। अब बच क्या जाएगा 10⁻¹⁸ यानी 2 × 10⁻¹⁸ × 10⁻¹⁹, ठीक है। यही ना बचा है, बटा में कुछ नहीं बचा, नहीं बचा, चलिए 2 × अब ये 10⁻¹⁸ है, तो इसको क्या कर देंगे 1/10⁻¹⁸ लिख सकते हैं, 1/10⁻¹⁸ लिख सकते हैं ना, × 10⁻¹⁹ भी लिख सकते हैं, सेम उसको रहने देंगे। ये 2 × 10⁻¹⁸ नीचे है और 10⁻¹⁹ ऊपर है, इसको कटा देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 10⁻¹⁹, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻¹⁹ हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 1/10 लिख सकते हैं, 2 × 5 = 10,
यानी एक बटा पाँच, आई बराबर निकल के आया एक बटा पाँच, और एक बटा पाँच को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 एम्पीयर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि मान निकल के आएगा 0.2 एम्पीयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में 2 मिनट तक 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उससे कितने कूलम्ब आवेश प्रवाहित होंगे। समझेंगे, कह रहे कि यदि किसी चालक में दिया है, यदि किसी चालक में 2 मिनट समय कितना दे रहा है, समय यानी टी कहे तो 2 मिनट, और 2 मिनट को हम क्या कह सकते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। ठीक है, 3 एम्पीयर की धारा, विद्युत धारा I इक्वल टू 3 एम्पीयर, कितना दिया है 3 एम्पीयर की जाए तो उससे कितने कॉलम्ब आवेश, यानी आवेश Q इक्वल टू A निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आवेश Q इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, आवेश बराबर धारा गुने समय। ठीक है, आई जो होता है धारा का सिंबल होता है और समय का सिंबल टी होता है। क्यू बराबर आई इंटू टी, यहां से क्यू का मान मालूम नहीं है, आई का मान कितना दिया है, आई विद्युत धारा 3, और समय कितना दिया है 120। Q बराबर 12 × 36 360, आवेश का सही मात्रा क्या होता है, कूलम्ब होता है, तो इसलिए इसका संकेत क्या हो जाएगा, C, यानी Q बराबर 360 कूलम्ब आवेश, यहाँ पे हो जाएगा 360। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। मुंह बंद कर लो, जाओ चुपचाप आराम से निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसके ऊपर वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया उसी के आधार पे सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। ठीक है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी इसमें भी आवेश को ही ज्ञात करना है। ठीक है, दिया है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर यानी विद्युत धारा आई जो है इसका मान है 0.5 एम्पीयर, समय टी इक्वल टू 10 मिनट, 10 मिनट, तो 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आवेश पूछा जा रहा है, आवेश Q इक्वल टू, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं आवेश Q बराबर धारा I गुने समय, यानी लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू टी।
ये फार्मूला आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्यू का मान मालूम नहीं है, आई नीचे नहीं दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। क्यू का मान मालूम नहीं है, आई का मान कितना दिया है, 0.5 एम्पियर इंटू समय कितना दिया है 600, दशमलव में बटा में आ जाएगा तो 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब Q बराबर 6×5=300, 300 कूलम्ब का आवेश उत्पन्न। इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर होगा 300 कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है, एक चालक में 13:20 तक 400 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सिंपल प्रॉब्लम है, इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, समझिए आपके लिए HW क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए समझते हैं, वीडियो को रोक दीजिए, आगे क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, है कि ना। जैसे टाइप बाय टाइप मैंने क्वेश्चन बताया, आप NCERT का बुक लेके बैठेंगे तो उसमें ये सब क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। क्लास 10th का है, विद्युत चैप्टर का क्वेश्चन है, आप इसके इस पे आधारित जो भी प्रश्न होगा आप बनाने का प्रयास करेंगे, आई थिंक आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जितना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें आपको प्रैक्टिस जरूरी होता है, जितना ही अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना ही अच्छा से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करना ही आपको परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट, यानी उसकी कोशिश जो होती है, जितना कोशिश करेगा जितना प्रैक्टिस करेगा वही उसको परफेक्ट कर देती है, ठीक है। तो आप लोग भी 10th क्लास में है अगर पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री और इस तरह का जो भी न्यूमेरिकल्स और एग्जाम में जो भी पूछा गया है, ठीक है, उस सारे न्यूमेरिकल्स को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं, एक चालक में 13 मिनट समय दे दिया गया है, दिया है समय, ठीक है, समय यानी टाइम कहे तो कितना दे दिया है, 13 मिनट, 13 मिनट प्लस में 20 सेकेंड। कहिएगा क्यों सेकंड को प्लस में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन को फिर हम मिनट जो दिया है ना, इस मिनट को सेकंड में बदलने के बाद फिर सेकंड को ऐड करेंगे, ठीक है। यहीं पे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं बन पाता, ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो 13 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और प्लस में 20, इसको गुना करेंगे तो 13×6=78, 780 और प्लस में 20, ये कितना हो जाएगा, 800 सेकेंड, यानी टोटल जो सेकेंड में टाइम लगा है वो 800 सेकेंड लगा, ठीक है। तो 400 कूलम्ब आवेश, आवेश क्यू बराबर 400 कूलम्ब, ठीक है, प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा यानी विद्युत धारा का मान पूछा गया, विद्युत धारा I बराबर, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया कि आवेश इक्वल टू आवेश Q बराबर I इंटू D, ठीक है, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पे नहीं बना सकते हैं तो यहां से डायरेक्ट I का मान निकालेंगे धारा का, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू अब बटा में टी, आई बराबर क्यू बटा टी,
ठीक है। I का मान मुझे मालूम नहीं है, Q का मान मालूम है, आवेश कितना दिया है 400 और समय कितना है 800। दो जीरो से दो जीरो को कट कर देंगे, I बराबर 4 × 8 ठीक है, यानी 1/2, 1/2 कहें तो इसका मतलब है 0.5 एम्पीयर। इस क्वेश्चन का 0.5 एम्पीयर।